हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ एग चीज सैंडविच। हम सभी तो एग और ब्रेड रोज ब्रेकफास्ट में खाते हैं, बट आज मैं उसे एकदम ट्विस्ट करके सैंडविच बनाने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल मेरे वाले स्टाइल में। सबसे पहले चटनी बना ले। चटनी बनाने के लिए धनिया, अदरक, लहसुन, मिर्ची, सेब, ये सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लीजिए थोड़े से पानी में और चटनी बना के रख दीजिए। और हमें चाहिए ब्रेड, अंडा, अमूल चीज स्लाइस, शिमला मिर्च, प्याज के कटे हुए रिंग्स, सेजवान, नमक और तेल। सबसे पहले तवे को गरम करके उसमें थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और अंडा तोड़ के इसके ऊपर डालिए। उसके बाद जो कटे हुए शिमला मिर्च थे वो डाल दीजिए ऊपर, फिर प्याज के कटे हुए रिंग्स और चुटकी भर नमक। उसके ऊपर हरी चटनी लगा दीजिए, उसके ऊपर चीज़ रखिए और ब्रेड स्लाइस रख के हल्का सा प्रेस कीजिए। अंडा थोड़ा सा नीचे से पक जाए उसके बाद उसे पलट दीजिए और हल्का सा प्रेस कीजिए और दूसरा ब्रेड स्लाइस उसके ऊपर रख के हल्का फिर से प्रेस कीजिए। नीचे से थोड़ा सा ब्रेड क्रिस्प हो जाए उसके बाद फिर पलट दीजिए। उसके ऊपर हल्का बटर लगाइए और फिर पलट के उस दूसरी तरफ भी बटर लगाइए। ये बन गया चटनी वाला सैंडविच। अभी उसी तरीके से हम चटनी के जगह सेजवान डाल के वैसे ही बनाएंगे, सेम प्रोसीजर। चीज़ रखा हमने, उसके ऊपर ब्रेड रखा और दोनों तरफ से ब्रेड को क्रिस्प करेंगे और बटर लगाएंगे और ये हमारा बन गया सेजवान वाला सैंडविच। ये सैंडविच को आप सॉस के साथ या जो चटनी हमने बना के रखी थी उसके साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी। देखा दोस्तों कैसे बन गई ये एग सैंडविच, वो भी एकदम फटाफट। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय।